गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। अभी मैं कहाँ पर हूँ आप लोग जैसा कि मेरे पीछे देख ही सकते होंगे, और ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मेरे पीछे एक प्यारा सा मंदिर भी है जो कि कचहरी स्टेशन में ही है, और ये देख लीजिए पीछे मेन रोड है, और मैं जाने वाला हूँ यहाँ से थावे तक। यहाँ से 6 बजे ट्रेन है जो कि जाती है थावे तक, तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं, आप लोग बस बने रहिए। ये रहा सामने टिकट घर, मैं टिकट ले लेता हूँ। वैसे एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, जिस दिन आपके पास टिकट नहीं होगा उस दिन जो यात्री है वो भी टीटी लगने लगता है, तो क्यों टेंशन लेना बेवजह, आराम से टिकट लीजिए, एकदम बेखौफ यात्रा कीजिए। टिकट देख लीजिए गाइज, पूरे 25 रुपये का टिकट लिया हूँ मैं यहाँ से थावे तक का, लेकिन ये टिकट इतना सस्ता कैसे हो गया, छोड़िए ये व्यू देखिए। और यही है अपना प्यारा छपरा कचहरी स्टेशन। अभी सुबह का बज रहा है, लगभग 5 बजने वाली है, 10-15 मिनट कम होगी, मैं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, ये आप लोग व्यू देख लीजिए। इस कचहरी स्टेशन का एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, यहाँ स्टेशन के बगल में बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, यानी यात्रा करने से पहले एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो यात्रा सफल हो जाती है। वैसे मैं अभी स्नान किया नहीं हूँ तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। यही है वो प्यारा सा मंदिर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वैसे जो लोग जिस धर्म से होंगे, अपने भगवान को जिसको मानते होंगे, उनका नाम लेकर तो यात्रा करते ही होंगे। अब हम लोग चलते हैं स्टेशन के अंदर, और 25 रुपये का टिकट है, आराम से बेखौफ जाऊँगा, और जानबूझकर जहाँ मुझको टिकट दिख जाए वहीं पर जानबूझकर बगल से जाऊँगा। और वैसे तो यह कचहरी स्टेशन पर टीटी तो रहता नहीं है। मैं अब आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पर, और सामने से एक ट्रेन गुजर रही है, ये ट्रेन तो मेरी हो ही नहीं सकती, मेरी मतलब जिससे मुझे जाना है, क्योंकि इस ट्रेन में एसी बोगी लगी हुई है और मेरा तो पैसेंजर है, 25 रुपये में एसी में थोड़े ना बिठाएगा मुझे। समय हो रहा है 5:35। ये है पैदल ओवरब्रिज, तो चलते हैं हम लोग उस साइड, ट्रेन उधर ही लगी हुई है। हमारी ट्रेन आ चुकी है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि अच्छा सा सीट, फिर हम लोग अंदर बैठते हैं। समय हो रहा है 5:40, और इतना पहले आने का वजह ये है क्योंकि ट्रेन यहीं से खुलती है, तो अच्छा सा सीट तो देखना पड़ेगा। हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, और ये सामने शायद दिख रहा है रामपुर ढाला जो कि सारा ढाला की तरफ जाती है अगर वही होगी तो। और ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रेन एकदम अप टाइमली चलने लगी है, इस रूट पर और कोई ट्रेन है ही नहीं, एक दो ट्रेन है लेकिन वो बहुत ही आगे मिलेगी। ये सामने दिख रहा है आप लोगों को छपरा का 4 लेन, वैसे इसका नाम 4 लेन है, 4 लेन है नहीं, और ये आप लोग ट्रक देखकर तो अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि छपरा का बाईपास या फिर 4 लेन है। हमारी ट्रेन अब पहला स्टॉपेज पर आ चुकी है जो कि है तिनुआ डुमरिया हाल्ट, हाल्ट ही है ना, हाँ ये हाल्ट ही है, नहीं तो गलत बोल दूंगा तो फिर यहाँ के लोग कमेंट बॉक्स में जो बोलेंगे वो फिर पढ़ने लायक नहीं रहता है, तो इसके लिए मतलब ये कन्फर्म कर लेना जरूरी है। तो ये हाल्ट ही है, तिनुआ डुमरिया हाल्ट, और ये छपरा कचहरी के बाद पहला स्टॉपेज है, तो देखते हैं, शायद 1 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर। हमारी ट्रेन अब यहाँ से खुल चुकी है और 1 मिनट का ही स्टॉपेज था, और यहाँ पर कुछ खास भीड़ थी नहीं, न उतरने वालों की न चढ़ने वालों की। वेलकम टू खैरा स्टेशन, और खैरा स्टेशन को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता था क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्यार देते हैं। पिछला वीडियो मैं डाला था खैरा बाजार का, तो बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया था, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है आपका प्यारा खैरा, वैसे यहाँ पर भीड़ बहुत कम है और रहेगी भी कैसे, यहाँ बगल में छपरा स्टेशन है, तो छपरा से तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और आप लोगों को मैं खैरा स्टेशन का वीडियो बहुत ही जल्द डालने वाला हूँ। हमारा अगला स्टेशन है बनी महमन पट्टी, और मैं अगर किसी स्टेशन को हाल्ट बोल दूँ या फिर हाल्ट को स्टेशन बोल दूँ तो आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ज़्यादा दिल पर मत लीजिएगा। स्टेशन है हाल्ट है इस बात से छोड़कर, थोड़ा इसको देखा जाए, इसका नज़ारा कितना ज़्यादा मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग मतलब उसी रूट से आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 1 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर, फिर हमारी ट्रेन तो यहाँ से चलेगी ही, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुहासा देखने को मिल सकता है जबकि अभी ठंडी का दिन है भी नहीं। ट्रेन हमारी यहाँ से खुल चुकी है और अगला स्टेशन होगा बहुआरा। ये बोर्ड कब पार हो गया पता ही नहीं चला, तो ये रहा आपका बहुआरा। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को पीछे का भी नज़ारा दिखा दूँ, और यहाँ से थोड़ा आप लोगों को भीड़ दिखना भी शुरू हो चुकी है, तो देखते हैं कहाँ तक भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये क्या है भाई साहब, आप लोग भले अच्छा बोलिए फिर बुरा बोलिए, लेकिन ये गलत है, और गलत का सपोर्ट तो आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई बाहर का आदमी आएगा, इसको देखेगा तो क्या सोचेगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बस आप लोग देख लीजिए इसको। और फाइनली बहुआरा हाल्ट बीत चुकी है, और अब हमारी अगला स्टेशन रहेगी पता नहीं क्या रहेगी। अगला स्टेशन पटेरा ही था, मुझको ज़्यादा पता है नहीं इस रूट के बारे में, मतलब रोड से तो बहुत बार गया हूँ लेकिन ट्रेन से आज पहली बार मैं सफ़र कर रहा हूँ इस रूट से, तो ये पटेरा ही है। और स्टेशन है हाल्ट है, मैं आगे देखकर आप लोग को बता देता हूँ, वैसे यहाँ के होंगे आप लोग तो आप लोगों को तो पता ही होगा, बाकी आप लोग देखिए स्टेशन पटेरे ही मुझे जहाँ तक लग रहा है स्टेशन है। और आगे आप लोगों को स्टेशन का बिल्डिंग भी देखने को मिल जाएगी, बिल्डिंग इन द सेंस मतलब टिकट जहाँ कटता है या फिर जो भी इंक्वायरी वगैरह होती है वही है, वो काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर एक ओवर ब्रिज भी है, यानी स्टेशन है और बड़ी भी है, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत कम दिख रही है, और पता नहीं आज कम दिख रही है या फिर यहाँ पर कम रहती है,
इतना तो मालूम नहीं क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ। बाकी आप लोग स्टेशन का व्यू देखिए। और इसी के साथ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी भी शुरू हो चुकी है, तो आपको अब धीरे धीरे वीडियो का जो क्वालिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, बहुत ही ज्यादा मतलब अब साफ हो जाएगी धीरे धीरे। अब हमारी ट्रेन भी यहाँ से खुल चुकी है और समय 6:37 हो रही है, 2 मिनट का स्टॉपेज था यहाँ पर। और अगला स्टेशन कौन सा आने वाली है ये मुझको नहीं पता, इस रूट पर कितना स्टेशन है कौन कौन आता है ये मुझको मालूम है, लेकिन कौन कब आता है ये उतना मतलब ज़्यादा मतलब पता है नहीं। और ये जो व्यू आप लोगों को दिख रहा है ये है रेल इंजन कारखाना, रेल इंजन कारखाना, यहाँ पर रेल का इंजन बनता है। और मुझको सच कहूँ तो मुझको लग रहा था जैसे कि ये मढ़ौरा में है, मतलब प्रॉपर मढ़ौरा में, लेकिन ये मढ़ौरा है नहीं, क्योंकि इसके बाद एक और हाल्ट या फिर स्टेशन पड़ता है जो कि शायद है तेजपुरवा। तो मुझको जहाँ तक लग रहा था कि ये मढ़ौरा में ही है, लेकिन ये मढ़ौरा प्रॉपर मढ़ौरा में नहीं है। और आप लोग देख लीजिए यहाँ पर रेल का इंजन बनता है, धूप के वजह से मतलब अभी उतना भी धूप नहीं है कि बहुत ज़्यादा साफ क्वालिटी आ जाए, लेकिन इसको मैं आकर आप लोग को दिखाऊंगा ज़रूर कभी ना कभी। यानी कि रेल इंजन कारखाना प्रॉपर मढ़ौरा में नहीं है। ये आ गई हमारी तेजपुरवा हाल्ट, और इसका बोर्ड पता है कैसे छूटा, मैं था उस साइड, मुझको लगा उस साइड हाल्ट आएगी, और ये आ गई दूसरे साइड अपोजिट साइड। तो ये है तेजपुरवा हाल्ट और यहाँ पर एक मिनट का स्टॉपेज है। हमारी ट्रेन अब यहाँ से भी खुल चुकी है और इसके बाद जो आएगी वो आएगी सिलौरी हाल्ट और उसके बाद आएगी मढ़ौरा। ये रहा सिलौरी हाल्ट, और सिलौरी का नाम सुनते ही आप लोगों को मंदिर का याद तो आ ही जाती होगी, तो मंदिर का भी दर्शन करेंगे कभी। चलते हैं अभी हम लोग आगे मढ़ौरा। ये थोड़ा सा व्यू देख लीजिए। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो इंजन कारखाना था वो कितना पीछे था, और मुझको हंसी आ रही है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। आप लोगों को मैं बता दूँ कि सिलौड़ी जो है ना इतना ज़्यादा फेमस है कि गोपालगंज तक मैं जाता हूँ, वहाँ के लोग भी जानते हैं सिलौड़ी के बारे में। और यहाँ सिलौड़ी का हाल्ट देख लीजिए, वो बहुआरा का टॉप कॉम्पिटिशन दे रहा है। और फाइनली आ गई हमारा मढ़ौरा। और हाँ, आप लोग अगर मढ़ौरा से है तो आप लोग वेट कीजिएगा, मैं मढ़ौरा पूरा स्टेशन का बहुत ही जल्द वीडियो डालने वाला हूँ। अभी इसी वीडियो में डाल दूंगा तो ये वीडियो लगभग आधे घंटे एक घंटे की हो जाएगी, तो आप लोगों को भी बोरियत महसूस होगी। इसको ही मुझको लग रहा है कि आप लोगों को बोर ना हो जाए, तो इसको भी मैं बहुत छोटा करने का कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग मढ़ौरा स्टेशन देखिए। मढ़ौरा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं, मढ़ौरा आप लोगों को पता है हब था, कभी ज़माने में हुआ करता था, अभी भी मढ़ौरा अनुमंडल है, यहाँ पर अनुमंडल कोर्ट भी है। लेकिन मढ़ौरा का अगर आप लोगों को बाज़ार देखना है तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं मढ़ौरा का बाज़ार का भी वीडियो डाल चुका हूँ और बहुत बार मढ़ौरा का जिक्र कर चुका हूँ, मढ़ौरा तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ। हमारी ट्रेन अब मढ़ौरा से भी खुल चुकी है और ट्रेन अभी तो बहुत ही टाइमली चल रही है, आगे देखते हैं कब तक पहुंचा देती है। ये रहा तेरहा हाल्ट, एक मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर भी, हाल्ट है छोटा सा, हाल्ट है तो छोटा ही रहेगा ये, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तेरहा हाल्ट, हिंदी में लिखा हुआ है टेठा हाल्ट, अजीब है ये भी। लेकिन आप लोग ही बताइए, TERH ये तेरहा टरहा हो सकता है, लेकिन ये टेठा कैसे हो सकता है। मैं जा रहा हूँ अब, मुझको खेलनी ही नहीं है ये गेम। यहाँ पर बहुत लोग चीटिंग कर रहे हैं, ये ऐसा ऐसा लिख देंगे फिर कमेंट में मुझको सुनाने लगेंगे लोग। अगला स्टेशन है अगौथर, ये हाल्ट है, छोटा सा हाल्ट है, फिर मैं छोटा सा हाल्ट बोल रहा हूँ सॉरी। और ये देख लीजिए, एक मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर भी। मैं यहाँ तक आ गया लेकिन एक भी टीटी आया नहीं, मुझको पता था कि इस ट्रेन में टीटी बहुत कम चढ़ता है, लेकिन ये इंसान है आदमी को बुरा लगता है, अगर आप टिकट ले लीजिएगा और फिर चेकिंग जब नहीं होता है ना तो अंदर से बुरा भी लगता है। और मैं भी अपने इंसान होने का परिचय आप लोग को दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा है चेकिंग नहीं हो रहा है तो। और बाकी छोड़िए सब, अगौथर से हमारी ट्रेन चल चुकी है, अगला स्टेशन पता नहीं कौन सी होगी, चलिए देखते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सामकोरिया, और मुझको जहाँ तक लग रहा है कि ये स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर स्टॉपेज भी 2 मिनट का है और सामने स्टेशन का बिल्डिंग भी बड़ी दिख रही है, वही जो टिकट घर है, यानी कि ये स्टेशन हो सकती है, होगी क्या, होगी ही। बाकी आप लोग स्टेशन का व्यू देखिए। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो मैं वीडियो डालूंगा वो छपरा कचहरी से लेकर मसरक तक ही डालूंगा, और ये मैंने अभी डिसाइड किया क्योंकि मैं देख रहा था कि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, एक पार्ट में डालूंगा छपरा कचहरी से लेकर मसरक तक और दूसरे पार्ट में डालूंगा मसरक से लेकर थावे तक। तो आप लोग देखिएगा जरूर, राजापट्टी भी अगर अभी उसी में आएगा। अभी समय हो रहा है सुबह का 7:12-13 और हम लोग पहुंच गए हैं परसा केरवा हाल्ट, यहाँ पर भी 1 मिनट का स्टॉपेज है, फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं अगले स्टेशन पर। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आने के लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर से ऐसा नाम आया जो कि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वैसे इंग्लिश में तो लिखा हुआ है गणराजपुर धामा।
काफी मुश्किल नाम है, तो आप लोग बता दीजिएगा क्या है और अच्छा से लिखिएगा ताकि मैं पढ़ सकूं। ऐसा सा लिखा हुआ है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ और ही लिखा हुआ है। और यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए आप लोग देख ही सकते हैं, इन लोगों का अलग ही वर्ल्ड वार चल रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि पिछला वाला तो इतना रखा था तो मैं इससे भी ज्यादा रखूंगा, इन लोगों को कहीं ना कहीं मेडल जीतना ही है। और ये रहा मशरक जंक्शन, ये जंक्शन ही है। और यहाँ से दो रूट निकलती है, एक जाती है वही जो सीधा जो हम लोग जाने वाले हैं, और एक और जाती है जो कि चली जाती है महाराजगंज की तरफ। तो हम लोग तो सीधा जाएंगे। वैसे मैं इस वीडियो को शायद यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ, और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे ये शायद पहला पार्ट होगा जब मैं अपलोड करूँगा तब। उसके बाद वीडियो तो मैं बनाऊँगा थावे तक का, लेकिन इसको मैं पहले अपलोड कर दूँगा ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद मैं मशरक से लेकर थावे तक डालूँगा। मशरक का नया स्टेशन है, पिछली बार मैं पुराना वाला स्टेशन डाल दिया था, आप लोग जानते ही होंगे बाजार जब दिखाया था तब। और मशरक स्टेशन का बाहर से लेकर अंदर का सबका व्यू मैं बहुत ही जल्द डालने वाला हूं, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा ये वाला। आप लोग प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम क्रिएटिव पीआर।